अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह अपने इजी पैसा अकाउंट जो एक नंबर पे है दूसरे नंबर पे मुंतकिल कर सकते हैं BVS की मदद से। जी यहाँ पर BVS हैंडलिंग ऑप्शन में आए और उसमें सेकंड नंबर पे ऑप्शन है चेंज मिसिंग नंबर पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर जो CNIC है, जिस बंदे के आप नंबर चेंज कर रहे हैं उस नंबर के CNIC जो उस नंबर पे रजिस्टर्ड है वो लिखनी है। यहाँ पर नीचे जो आपकी नई नंबर है तो वो यहाँ पर आप लिखेंगे, यानी यहाँ पर पुराने वाले नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप न्यू नंबर लिखेंगे। न्यू नंबर लिखने के बाद आप यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई राइट थम्स, यानी जो आपके राइट साइड है आपके हाथ की थम्स लगानी है, यानी बड़ी उंगली लगानी है। उसके बाद आपकी जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP सेंड हो जाएगा। यहाँ पर एग्री करना है। वो OTP जो नए मोबाइल आपने इसमें इंटर किया उस पर एक OTP आ जाएगा। वो OTP यहाँ पर आप एंटर करें। वो भी सेंचिस की तरफ से आया होगा, इजी पैसा की तरफ से, तो वो यहाँ पर एंटर करें। ये अब वेरीफाई होगा, लेकिन ये यहाँ पर वेरीफाई नहीं हुआ। फिर आप दोबारा उसकी फिंगर लगाएंगे। ये फिंगर अक्सर चेंज होती रहती है, इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो आपके राइट साइड की जो बड़ी उंगली है तो वो आती है। यहाँ पर फिर अनमैच हुआ। ये अक्सर हो जाता है, जिस बंदे की जो उंगली है उसके निशानात ख़त्म हो जाते हैं तो उसमें थोड़ा मसला आ जाता है, बाकी ठीक होती है। ये परेशानी की कोई बात नहीं, आप दोबारा ये प्रोसेस स्टार्ट करें। यहाँ पर उनकी CNIC दोबारा एंटर करें और ये नदर से वेरीफाई होती है। अगर उंगली की निशान गायब है और मसला है उसमें, तो फिर ये दो तीनों बार आपको करना ही होगा, क्योंकि ये वहाँ पर वेरीफाई नहीं हो पाती, तो इसलिए आप ये दोबारा करते रहे तब तक जब आपकी ये जो उंगली है ये उसके साथ मैच ना हो जाए। और इसकी भी अपनी लिमिट होती है, अगर आप इससे ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर आपको टाइम दे दिया जाएगा। जी यहाँ पर फिर दोबारा OTP आएगा इजी पैसा की तरफ से। अक्सर ये भी टाइम लेता है, जब नेटवर्क स्लो होती है तो ये थोड़ा टाइम लेता है, बाद में ये ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपकी मैसेज नहीं आती तो फिर आप अपने मोबाइल के फ्लाइट मोड ऑन करें और दोबारा ओपन करें, तो आपकी मोबाइल की जो मैसेज है, जो भी चीज़ है, वो आप दोबारा रीसेंड होगी तो फिर आ जाएगी। वहाँ से आप एंटर करें, अगर नहीं आती तो फिर रीसेंड OTP पे क्लिक करें। ये तकरीबन टाइम लेता है, 2 मिनट से लेकर 3 मिनट तक उसकी टाइम होती है। आपको वेट करना होगी उसके लिए, परेशानी की कोई बात नहीं। ज़्यादा जो होती है वो पहली बार में ख़त्म हो जाती है, लेकिन जब आपकी उंगली वेरीफाई नहीं होती तो ये तकरीबन 2-3 मरतबा आपको करना ही होगा, क्योंकि ये असल नज़र से कनेक्टेड होती है तो मसला आ जाता है।
यहाँ पर आप अपने मोबाइल को ज़रा चेक करें तो शायद आई ही होगी। ये हर जगह की अपनी नेटवर्क होती है तो ये टाइम लेता है अक्सर जी। यहाँ पर वो ओटीपी दोबारा यहाँ पर हमने इंटर की। हाँ जी, अब उंगली चेंज हो गई है तो आप भी ऐसा करें कि उंगली को चेंज करें। जब आपकी पहली उंगली मैच नहीं कर पाती तो फिर आप दूसरी उंगली पर ट्राई कर सकते हैं जो उसने दी हो। यहाँ पर बाएं हाथ की दरमियानी उंगली है तो आप वो चेंज करें, वो लगाएं। आपके स्क्रीन पर भी ये आ सकती है। यह मैंने उंगली चेंज की और देखो यहाँ पर मैसेज नंबर हैज़ बीन चेंज्ड, तो ये उसकी मोबाइल जो नंबर थी वो अब सक्सेसफुली चेंज हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि आने वाले तमाम वीडियोज़ आपको पहुंच सके। थैंक यू।